हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे अगले ब्लॉग में। मनाली के बाद कोई बड़ा ब्लॉग अब आ रहा है। आज हम जाने वाले हैं ऋषिकेश कैंपिंग और राफ्टिंग करने के लिए। तो अभी मैंने अपनी सारी पैकिंग कर रखी है, गाड़ियां आ रही हैं, हम लोग 8 लोग हैं। हाँ तो गाइस, हम सब लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमें 2 बजे निकलना था और अभी बज गए हैं पूरे 4। यहाँ पे सबके मूड खराब है। ये दानिश भाई पागवड़ से आ गए हैं, हमारे गौरव भाई चंदोसी से आ गए हैं, ये भी तैयार हैं। मास्टर साहब तो घर स्कूल में से उठा के लाए हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की वजह से लेट हुए हैं तो ये आकाश भाई हैं। बस हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं नासिर का। नासिर जैसे ही आया था हम निकल जाएंगे। और जूतों से निकाल के हैं। अरे अरे भैया, पीछे हमारा भैया खड़ा है, ये देखिए। और ज्यादा बुरे लग रहे हो इसमें। तुम भी पीने लगे मास्टर साहब? जीरा जीरा, तुमने जीरा की बोतल में डाल ली है? ऐसा जीरा आता ही ना है। सील पैक चेक कर लो। सील पैक खुली हुई है, सील खुला हुई है, खुला हुई है, खुला हुई सील है। यार मास साहब, यार तुमसे कमाल है भाई यार। अरे ये टिबला आ गया ना, आ गया भाई, आ गया भाई। इसे बुलाओ जल्दी, कहाँ है ये? आ गया, ये आ गया सुगर। आ तू आ तुझे आज मैं बताऊंगा। हाँ बे ओए, तुझे जंगली बनाऊंगा। पूरे 3 घंटे लेट है तेरी वजह से। अरे कोई बात ना है, कोई बात ना है ना, तुझे कूटना है अभी मुझे देख। तो हम निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए। अभी टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। और देखो अल्लाह ने चाहा तो दिन दिन में पहुंच जाए। नाइट में अभी हम कैंपिंग करेंगे वहाँ चल के। ये हमें अभी रास्ते में बारिश मिलने लगी है। ये यहाँ पे अपनी ओरा में जो गैस डलवाने के लिए रुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से आए, ऑस्ट्रेलिया से गाड़ी लेके। कुछ दूर चलते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग पेशाब करने के लिए फिर दोबारा रुक जाते हैं। ये देखो, और इस हाथी जैसे आदमी की बेशर्मी देखो कैसे खड़े होके। तो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे सोडा पानी पीने के लिए। सोडा पानी खत्म, लगा दो यार जरा बढ़िया करके। ये कौन है? ये है अरुण दगिया नारू। सोडा पानी पीने के बाद हम निकल गए हैं हाईवे पर हरिद्वार के लिए। सब लोग सुकून से बैठे हुए हैं। ये तो देखो बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। फिर से बारिश होना शुरू हो गई है। यानी यहाँ से ऋषिकेश अभी समथिंग ऐसी बचा होगा 60। हर जगह मुताज, 2-2 मिनट के बाद ये लोग मुताज निकाल रहे हैं। गाड़ी लगाते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीने की हड़क लगी ना थोड़ी बहुत। डीजे नहीं, 2 घंटे लेट ना होते तो डीजे नाइट होते। इस आदमी की वजह से 2 घंटे हम लेट हुए, जो हमें डीजे नाइट नहीं मिलेगा। हम बूफर लेके तो आए हैं, रात को डीजे नाइट वही बना लेंगे। अरे पुल से राइट लेना है, लेफ्ट सीधे आते रहो, सीधे बिल्कुल देहरादून वाले पे। ठीक है ठीक है। अरे यार जंगल ही जंगल है यार, ये कहाँ रुकवा दिया तुमने हमें। 10 बज गए हैं और हम 10 बजे ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। शिवपुरी के लिए तो वापसी दिखा रहे हैं यहाँ से, पर ये आगे कब पहुंचे? फोन करिए, फोन करियो शिवपुरी के लिए। तो लेकिन गलत, लेकिन ये तो फिर पीछे दिखा रहा है। हाँ जी, ये ऋषिकेश में इस समय कितने लोग हैं आप? 8 लोग हैं। 8 लोगों के लिए तो नहीं है सर। अच्छा, कितने लोग हैं? 4 बेड वाला है सर। 4 बेड वाला है तो और भी सर कुछ कह नहीं सकता हूँ। एक आदमी देखने के लिए आ रहा है, 4 लोग 5 मिनट में पहुँच रहे हो। अच्छा अच्छा, अगर हो गया तो कुछ कन्फर्म नहीं है। ऋषिकेश में देखो कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों, कैंपिंग नहीं मिलेगी क्या वहाँ पर? नहीं नहीं सर, वीकेंड है ना, वीकेंड में बहुत रश होता है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है कहीं भटको गए कहीं जाके तब मिले। तो ओपन तो ऐसे में मिल तो जाएगी देखने के लिए। चलो हाँ हाँ, बट ये ना कि कैंप्स होते हैं जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, बाउंडेड होती हैं, इनमें ऐसे एक्सेस नहीं मिलता। जब वो लोगों तो कोई घुसने नहीं देगा ऐसे, बाकी आपकी मर्जी। नमस्ते, मैं कह रहा था कैंपिंग वो इस समय वो मिल जाएंगे कैंपिंग के लिए? अभी हाँ, अभी अभी तो नहीं है। नहीं है, सोल्ड आउट। हर बार दानिश भाई यही हुआ है। हम जो नासिर भाई की वजह से लेट है ना, तो ये अगर 1 बजे आ जाता ना तो हम यहाँ पे जो है ना 5 बजे तक एंट्री मार देते। अब वहाँ ऊपर जाके देखते हैं भाई, मिलती है तो ठीक है, वरना पूरी रात गाड़ी में बितानी पड़ेगी नासिर। सैटरडे संडे जाओगे, वीकेंड पे जाओगे, त्योहारों पे जाओगे, तो ऐसे ही होगा। चकचुंदर वाली गाड़ी कहाँ है? तो
जो एक आदमी को छोड़ गया पीछे तुम्हारी पार्टी से सुबह को यहाँ पर रैली निकलेगी और तुम बीजेपी आ गए तुम्हारे खिलाफ है। मैंने बता क्यों मंगा दी, पुलिस वाले चौकी पर रोक रहे हैं मेरे की, थोड़ी रोक रहे हैं और कुछ भी है। मैंने सोचा क्या होता हमें भी रोक ले तो मैंने भगा दी। अब शौचालय में से बाहर निकलोगे तुम या ना? कल सुबह जो मेरी वोट आएगी वो 7:30 बजे ही आ जाएगी, 7:30 बजे से पहले आपको नाश्ता मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में जो वोट आएगी उसका कोई टाइम नहीं है। मैं इससे मत कहना कि मेरी राफ्टिंग क्यों नहीं हुई, पेमेंट पूरा हो जाएगा, केवल सैटरडे संडे। राफ्टिंग कितने किलोमीटर की? 18 किलोमीटर की। सबसे पहले हम 2 लड़कों को भेजेंगे यहाँ से, गाड़ी खड़ी करेंगे, जैसे ही वहाँ गाड़ी पहुंचेगी वहाँ से वो 2 लड़के हमारी उस गाड़ी में आएंगे तो राफ्टिंग करेंगे। हमारे 2 लड़के जाएंगे वो उधर गाड़ी खड़ी करके आएंगे। तो हमने जो कैंप बुक करे हैं वो ये हैं, और ये नदी से थोड़ा ऊपर की साइड में है। ये इधर सारे बिजी कैंप है, बस मुश्किल से हमें मिली गए थे। यहाँ पहाड़ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो सबकी पेमेंट फंसी हुई चल रही है। 2800 आ गए। ये भी सारे कैंप बिजी हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे मोदी के शौचालय, मोदी द्वारा बनाए हुए शौचालय हों। तो गाइस हमने ये कैंप ले लिया है यहाँ पर, ये सारे कैंप बिजी हैं क्योंकि वीकेंड पे जो है सब फुल हो चुके हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड कैंप है और अभी हम खाना खाने के लिए जाने वाले हैं। खाना खाने वहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर भी वो सारे कैंप बने हुए हैं। क्या क्या है भाई? भाई वाह, पनीर, फर्जी पनीर हो भाई, ये दाल, ये चावल, क्या गोश्त? हमारा चचा चचा आ रही है, रोटी रोटी गर्म आ रही है। चलो तो चिकन विकन ना लेंगे। दिया क्या नाम है भाई साहब आपका? अचिन चौहान। वाला आइटम सही है, अपना गद्दे डाल लेते मैं भी। वो ज्यादा बन गया, कितना मजा आता होगा। कहां कहां बना ले गई मोदी के सोशल में जो थे उसके आगे गद्दे डालने के चक्कर में हम और डाल रहे। अब डीजे नाइट के तो लोड़े लग गए। अगर डीजे नाइट करके चलो तो कल पूरे दिन घूमो। तो हमने तो दाल और रोटी से काम चला लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाभी बली में खाने आया हूँ, रोटी उठाए फिर रहे हो। खाना कैसा लगा भाई? दोस्तों बढ़िया, हमने तो दाल खाई है, हल्का खाना खाया था, बहुत बढ़िया। तुमने खा लिया भाई? बढ़िया एकदम बेहतरीन यार भाई, बहुत बढ़िया खाना है। चाय की कमी लग रही है यार, अगर यहाँ चाय रात के 3 बजे चाय ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ रोड पर सन्नाटा है। ये सीधा बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री जा रहा है ये रोड। अबे आवाज आ रही है, सुनिए सुनो दादा भाई, सुनिए चलो। हाँ आ जाओ, अबे वो देख के आइयो। तो गाइस हम जो है नीचे जा रहे हैं पहाड़ी पे से उतरते हुए, वहाँ पहुँचते हैं पानी पे, वहाँ मच रहा है शोर, बहुत सारे लोग वहाँ पे शोर मचा रहे हैं। ये हम आ गए हैं यहाँ पर नीचे, इधर लोगों की जगह जगह पार्टियाँ चल रही हैं। ठंड लग रही है, ठंड, पानी ठंडा है क्या? अभी नहाओगे क्या? नहाओगे अभी, लग जाएगी यार। नहा लो अभी, आप पानी में तो चल रहे हैं। अरे चोट लग जाएगी। आप अब वॉलीबॉल खेल लो। ओ लाइट बंद करके सो रहे हैं। ओहो सो भी गए। ये सोने आया क्या घर में? ना सो जा रहा तुझसे है? सोने आयो क्या? अरे सुन लो यार, सोने आयो यहाँ पे? अरे सुन दो बाकी बोलो भाई, सोने का क्या सिस्टम है? पता कहाँ सारा हम नदी में बह गए ना सिर। तो अभी हम करते हैं गाइस सोने की तैयारी, सुबह उठना है जल्दी हमें कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए। मेहंदी का तेल बेचो, क्या करोगे?